म्योरपुर थाना क्षेत्र के रासपहरी पेट्रोल पंप के पास बीजपुर से रेणुकूट जा रही बस को पीछे से आ रही बॉक्साइड लदी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस में सवार लोगों ने बताया कि एक सवारी पेट्रोल पंप के पास उतर रही थी कि अचानक जोरदार टक्कर होने की आवाज आई और हम लोगों की बस पलट गई, जिससे बस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों का हुजूम आ गया, जो घायल लोगों को बस से बाहर निकाल अस्पताल भेज रहा था। घायल राहुल विकास बताते हैं कि स्थानीय लोगों ने बस में फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला तथा मौके पर म्योरपुर पुलिस पहुंची। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को CHC में भर्ती करवाया। गोलू, ये कैसे हुआ था दुर्घटना? गाड़ी सवारी उतार रहे थे, हम कंडक्टर हैं गाड़ी के। और गाड़ी रुके तो पीछे से ट्रक चला के मार दिया, गाड़ी पलट गई। कैसे बस पलटी थी? बस पलटी गाड़ी मारे से पीछे खड़ी गाड़ी, खड़ी गाड़ी मारे बा, गाड़ी खड़ी थी पीछे से। और जब गाड़ी मारे तब सीधे गाड़ी पलट गई। CHC अधीक्षक डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद ने बताया कि एक महिला के पैर में गंभीर चोट आने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है तथा सभी घायलों का इलाज CHC में ही चल रहा है। थाना अध्यक्ष शिव कुमार मिश्र ने बताया कि दुर्घटना का कारण बने ट्रक को पकड़ के कब्जे में ले लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बस पलटी है सर, इसमें कितने घायल हैं? इसमें बस जो पलटी है इसमें 15 लोग घायल हैं। क्या स्थिति है सर? लगभग सब सारे नॉर्मल हैं। किसी को रेफर किया गया है कि नहीं? नहीं, किसी को रेफर नहीं किया गया।